सॉरी गाइस, रेडी होने के टाइम पर मैं ना मोबाइल चार्ज में था और अभी रेडी होकर पार्क हो गया हूँ। फाइनली मैं यहाँ पंप पर पहुँच चुका हूँ और सभी दोस्तों को बुलाया था पंप पर। अभी फाइनली पंप से निकलेंगे हम टूर पर, थर पार कर जाएंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये रहा हमारा दो बाइक, अभी यहाँ से हम तेल डलवाएंगे। गाइज, फाइनली हम दादू शहर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने रोई मोटरसाइकिल को टैंकी को फुल किया पेट्रोल से। अभी हम रवाना होंगे आगे। खाना खाया, खाना बहुत मस्त था। अभी मैं पूछूंगा जहीर भाई से, जहीर भाई कैसा था खाना आज? खाना माशाल्लाह जबरदस्त था। गाजियाबाद में बैठे हुए भाई, अभी हम गाजियाबाद में बैठे हुए यहाँ पे रोटी खाया। अच्छा, दौलत पर है? अच्छा, मेरे को पता नहीं था यार, इधर बहुत टेस्टी खाना था, इसलिए हम नेम ही भूल गए इस शहर का। ये भाई अभी तो चाय लेके आया, चाय और ये भाई भी लेके आया है। कैसा था चाय? माशाल्लाह इसका जो रोटी था माशाल्लाह खस्ता रोटी हमें खिलाया, उसके बाद हम ये चाय पी। चाय कैसा है? चाय चाय अभी नया पी रहे हैं। अच्छा, देखो कैसे कैसा चाय है। आप पी के देखो, पी के बताना भाई। हाँ भाई रहीम भाई, चाय कैसा था? चाय नाम देना बहुत अच्छा है, जबरदस्त चाय, इसका टेस्टी चाय। इसे पूछो ये कहाँ कहाँ जाना। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले हम कहाँ जाएँ, गोरख के पास जाएँ या इधर जाएँ थरपारकर? अच्छा, खाना खाया, खाना खाने के बाद अभी हम निकलते हैं आगे। गाइस, फाइनली हम सईदाबाद पहुंच चुके हैं। यहां से हमें मिलेगा स्पेशल चाय, चाय भी वो भी ताज़ा दूध का। ये सामने भैंस, वो बंदा दूध निकाल रहा है भैंस से और वहां से हमें निकाल कर दूध एक अच्छी सी चाय बना के देगा। ये रहा भाई चाय, वही बहुत अच्छा सा चाय नज़र आ रहा है। चाय पीने के बाद अभी निकलते हैं आगे। जी गाइस, फाइनली हम पहुंच गए टंडो आदम और सुना है भाई यहाँ का मशहूर सची, यहाँ मिलता है बकरा का गोश्त। अभी हम यहाँ पर पहुँचे फाइनली, यहाँ से हम ऑर्डर करेंगे बकरा का गोश्त सची, गरम गरम मशहूर सची।
जी गाइस ये रहा हमारा रूम, फाइनली हमने ये रेंट पे लिया है 4000 पर, और ये रहा आज का हमारा डे, आज का रूटीन, आज का विदा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कीजिए प्रेस, ताकि आने वाली नई विदा की नोटिफिकेशन सबसे पहले बर वक्त आपको पहुंच सके। तब तक के लिए अपने और अपने आसपास वालों की ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।